यूपीएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन है, देखिए मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन है देखिए मूल्यांकन क्या है, साक्ष्य, याद रखिएगा साक्ष्य। इसको ऑब्जेक्टिव एक बार सुबह एक बार शाम, बस दो बार पढ़िए और एग्जाम देने जाइए, ठीक है, ज़्यादा ध्यान देने नहीं, बुक ज़्यादा पढ़िए। मूल्यांकन है त्रिविमीय प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, कौन सा, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। किसने कहा मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है वह अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, ये देखिए रेमर्स तथा रेंज, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली, यह पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों को घनिष्ठ जहां रूप आएगा वहां क्या मारेंगे आप लोग, कोठारी कमीशन मारिएगा, ठीक है, कौन सा मारेंगे, कोठारी। चलिए आगे देखते हैं क्या मारेंगे, कोठारी कमीशन, चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन दो शब्दों के योग से बना है, देखिए मूल्यांकन कौन कौन से शब्द हैं, मूल्य प्लस अंकन, इन दोनों से मिलकर बना है कौन सा, मूल्यांकन, मूल्य प्लस अंकन। चलिए आगे देखते हैं, मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, मूल्यांकन के 5 प्रकार हैं, याद रखिएगा। किसने कहा मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त करना है, लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त करना है, तो रेमरस तथा रेंज, ठीक है, रेमरस तथा रेज, वहाँ रेंज दिया था, तो थोड़ा नाम सही कर लीजिएगा। विद्यालय के द्वारा एक बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्षियों के संकलन तथा उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया मूल्यांकन है, किसका है ये, क्विलेन तथा हन्ना का, किसका है, विद्यालय के द्वारा एक बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्षियों के संकलन उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया की मूल्यांकन, साक्षियों, ठीक है, साक्षी हन्ना, क्विलेन तथा हन्ना, साक्षियों के संकलन जहाँ आएगा, और व्यवहार में परिवर्तन, विद्यालय में कुछ बालकों के व्यवहार में परिवर्तन, वहाँ क्विलेन तथा हन्ना मारिएगा। मूल्यांकन के सोपान है, 3 सोपान है। मूल्यांकन की प्रवृत्ति क्या है, मूल्यांकन की प्रवृत्ति गुणात्मक और परिमाणात्मक है। मूल्यांकन किस पर आधारित है, उद्देश्य और पाठ्य वस्तु पे। मूल्यांकन और मापन और मूल्यांकन क्रमशः होते हैं, देखिए सांख्य व गुण बोधक होंगे, संख्या व गुण बोधक होंगे। रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, सत्र परीक्षा। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, देखिए हमेशा सतत, बच्चों का कैसा मूल्यांकन होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, सभी होना चाहिए, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या है, वैधता, अन्याय संगतता और विश्वसनीयता। मूल्यांकन सहायक है संचयी अभिलेख तैयार करने में, और संचयी अभिलेख शिक्षक के व्यवहार में सुधार लाने के लिए, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सभी होगा। आकलन के प्रकार हैं, संरचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, दोनों होगा। प्रकार में कौन सा होता है, संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। आकलन की विशेषता है, शिक्षक का मूल्यांकन शैक्षिक सुधारों में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, उपयुक्त उपरोक्त सभी हो जाएगा। आकलन का पैमाना है, नामित मापन, क्रमित मापन और अंतराल मापन। आकलन की विशेषता है विश्वसनीयता, मानकीकरण, वैधता, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आकलन का घनिष्ठ संबंध है शैक्षिक उद्देश्यों से, किसके उद्देश्यों, शैक्षिक उद्देश्यों से। कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, छात्रों की योग्यता क्रम निर्धारित करना।
आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? पता नहीं है, देख लीजिएगा। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाती है और वापस आने पर वह विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है। सीखने के आकलन की ओर संकेत करता है। के अतिरिक्त सभी को सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। के अतिरिक्त पता नहीं इसका क्या आंसर दिया हुआ है, छोड़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आकलन करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। आकलन के प्रकार हैं फॉर्मेटिव आकलन, उभयनिष्ठ आकलन और युगात्मक आकलन, सभी होगा। आकलन का क्षेत्र है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने के, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान करने में, स्थान निर्धारित करने में, उपरोक्त सभी होगा। आकलन की विशेषता है शिक्षण का मूल्यांकन शैक्षिक सुधारों में और अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, उपरोक्त सभी होगा। सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है कक्षा शिक्षण में सुधार और कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, यही आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा। व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी से संबंध आकलन संदर्भ सामग्री में किया जाता है। किसमें किया जाता है? संदर्भ सामग्री में किया जाता है। आकलन का घनिष्ठ संबंध है शैक्षिक उद्देश्यों से, शिक्षण समायोजन से, छात्र सहभागिता से। आकलन का पैमाना है नापित मापन, अंतराल मापन, क्रमित मापन, ये सभी होगा। आकलन की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता और मानवीकरण, सभी होगा। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकता। कौन सा एक संकलित आकलन की विशेषता नहीं है? संकलित आकलन के उपकरण विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को जब आता है तो वह सीखने का आकलन के समान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? छात्रों की योग्यता क्रम निर्धारित करना, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है वह कर रहा है सीखने के लिए आकलन। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? प्रेरणा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, साक्षात्कार निरीक्षण प्रश्नावली और मूल्यांकन होते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन के कितने स्तर हैं? चार स्तर हैं। मूल्यांकन के चार स्तर हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक। परिणामात्मक मूल्यांकन होते हैं तीन। मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने अंग हैं? तीन। किसके अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है? डॉक्टर पटेल के अनुसार सतत मूल्यांकन का क्षेत्र है व्यापक। सार्थक ज्ञान के लिए निदान और उपचार का पथ प्रशस्त करता है सतत मूल्यांकन। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? स्वभाविकरण। छात्रों के शैक्षिक कौशल की जांच प्रतिमाह या तिथिवार करना क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन।
मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? स्वाभाविकरण। मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षक छात्र दोनों का। लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक मूल्यांकन होते हैं। परिणामात्मक मूल्यांकन क्या होते हैं? परिणामात्मक मूल्यांकन लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक मूल्यांकन होते हैं। परिणामात्मक मूल्यांकन,